बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल टेक विद मोहसिन में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आपको बताएंगे 1200F+ मिक्सर के ऊपर डिले की सेटिंग। आपको 1200F मिक्सर के ऊपर एक सेटिंग बताई थी, तो आज हम डिले के ऊपर बात करेंगे। डिले की सेटिंग 1200F+ मिक्सर, जो कॉपी मिक्सर है हमारा, उसके ऊपर सेटिंग कैसे की जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि मैं सेटिंग बता रहा होता हूँ, वो आप एक या दो पॉइंट आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा हो जाता है, कभी आप इंडोर में होते हैं, कभी आउटडोर में होते हैं। 12 के कमरे में ये स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ, मिक्सर वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है आवाज़ टकराने की वजह से आपको समझ ना आती हो। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने मर्जी के हिसाब से भी जो सेटिंग मैं बताता हूँ उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं, ये मेरे पास पीवी का कॉपी मिक्सर है, पीवी XR 1200F+, 12 चैनल का ये मिक्सर है, कॉपी मिक्सर है, अच्छा मिक्सर है। आप इसको नाथखानी पे लाइव किसी भी काम में इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैंने वायर्स वगैरह सब कुछ अटैच करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। 7 नंबर में मैंने XLR इन की हुई है। XLR कोशिश किया करें, अच्छी वाली लिया करें, कॉपर में लिया करें, घटिया वायर ना लिया करें, वरना आपका इवेंट डिस्टर्ब हो सकता है। ये पावर है मेरे पास CS1200X प्रोफेशनल स्टीरियो पावर एम्पलीफायर। मैंने सारा कुछ लगा के ओके कर दिए। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने आउटपुट निकाला है पावर एम के लिए, ये लिखा हुआ है मास्टर आउटपुट। इधर से मैंने आउट निकाल के पावर एम्पलीफायर को यहाँ पे इनपुट दे दिया, लेफ्ट और राइट। स्पीकर के लिए मैंने आउटपुट निकाल लिया, मैंने पिन्स लगा दिए यहाँ पर, यहाँ पे मैंने पावर केबल इन कर रखी है, देख सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए ये फ्यूज़ भी यहाँ पे दिया गया है। अगर कोई वोल्टेज वगैरह ज़्यादा होता है तो आपका ये फ्यूज़ जल जाएगा, ये प्रोटेक्शन है। मिक्सर को भी हमने पावर केबल इन कर दिया, ये इसका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका भी फ्यूज़ है प्रोटेक्शन के लिए, ये इसका पावर बटन है, और नीचे यहाँ पर SP कोन लगती है इसके, ये दो इसके जैक हैं SP कोन के लिए, लेफ्ट और राइट। स्पीकरों को मैंने इनपुट दे दिया, सब कुछ मैंने ओके कर दिया। इसमें मैंने ब्लू मास्टर स्पीकर डाला हुआ है, काफ़ी अच्छा चलता है ये, 440 की हाइस लगी हुई है इसमें, काफ़ी बेहतरीन बजता है ये। लाइव प्रोग्राम में बजाएं आप इसको, DJ पे भी बजाएं, काफ़ी ज़बरदस्त बजता है ये। चलिए अपने सामान को ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पावर एम्पलीफायर का पावर बटन ऑन कर लेना है। पावर आप देख सकते हैं ऑन हो गई है, ये देख सकते हैं आप लाइट्स इसकी ऑन हो गई हैं। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, गेन को ज़्यादा हमने नहीं खोलनी, क्योंकि मेरे पास 12x12 का कमरा है, ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है, हॉल नहीं है, इसलिए मैं इसको कम खोलूँगा। अगर आप हॉल में बैठे हैं या आप आउटडोर बैठे हुए हैं तो आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा खोल सकते हैं। मिक्सर का हम पावर बटन ऑन करेंगे, मिक्सर की पावर लाइट हमारी ऑन हो चुकी है। ये हमारा प्रीसेट है 32-bit डिजिटल इफेक्ट्स, यह हमारी मेन इको है, इसको आप बंद कर देंगे तो हमारा कोई भी इको का, जो हमारे चैनल्स में इको का वॉल्यूम है, कोई भी वॉल्यूम काम नहीं करेगा। 7 नंबर की लाइन चूज़ की हुई है माइक की, आप कोई सी भी लाइन चूज़ कर सकते हैं माइक की, मैंने 7 नंबर चूज़ की है। मैंने गेन को बिल्कुल बंद रखा हुआ है, मैंने बिल्कुल बंद रखी हुई है क्योंकि मेरे स्पीकर बिल्कुल नज़दीक पड़े हुए हैं और मैं 12x12 के कमरे में खड़ा हूँ। अगर मैं गेन खोलूंगा तो मेरे स्पीकर विस्लिंग करेंगे और आवाज़ फट जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं हम हाई पे, ये हमारी हाई है जिसको हम हाइस भी कहते हैं, इसको हमने बूस्ट करके 5 नंबर आगे कर देने। उसके बाद हम आ जाते हैं मिड पे, मिड को भी हमने तकरीबन 5 नंबर तक बूस्ट कर लेना है, और ये हमारी बेस है, इसको हमने कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आपकी हाइस में मसला भी आ सकता है, इसलिए हम इसको कम रखेंगे। ये हमारा मोन है, अगर आप एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाना हो आपने तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा इफेक्ट यूज़ नहीं कर रहे इसलिए हमने इसको बंद रखा हुआ है। मोन का वॉल्यूम बंद रखना है आपने। उसके बाद हम आ जाते हैं EFX पे, EFX को आपने बूस्ट कर 5 नंबर से 1 नंबर आगे ले आना है। नीचे आ जाते हैं, ये हमारा लेफ़्ट राइट का स्पीकर वॉल्यूम है, इसको आप लेफ़्ट पे करेंगे आपके लेफ़्ट स्पीकर में से आवाज़ आएगी, राइट पे करेंगे आपके राइट स्पीकर में से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, तो हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। हमारा जो स्लाइड वॉल्यूम है हम उसको 0.6 तक खोल देंगे।
बाद हम बात करेंगे मास्टर वॉल्यूम की। मास्टर वॉल्यूम को हमने -20 पे खोलना है। अब हम बात करेंगे प्रीसेट। ये हमारा प्रीसेट का वॉल्यूम है, इसको हमने पिंग पोंग पे ले आना है 11 नंबर पे हमारी पिंग पोंग आएगी। उसके बाद हमारा आ जाता है टाइम साइज। टाइम साइज को हमने तकरीबन खोल के 8 नंबर के ऊपर ले आना है। और ये है कॉलर टून, ये डिले टाइम है हमारी, इसको हम 6 नंबर पे रख देंगे। मेन एफएक्स है हमारी ये, अगर आप बंद कर देंगे तो आपकी किसी भी चैनल की लाइन में इको नहीं आएगी, तो इसको हम स्ट्रेट रखेंगे। मिक्सर पे हमने सब कुछ सेट कर लिया, सेटिंग आप देख लें। इसके ऊपर कोई कलाम पढ़ के चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारी सेटिंग किस तरह हुई है। मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, का मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। का दोस्तों आपने 1200+ मिक्सर के ऊपर हमने पिंग पोंग डिले की सेटिंग जो है किस तरह की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, बेल के आइकन को क्लिक किया करें ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखा दोस्तों आपने, हमने 1200+ मिक्सर के ऊपर पिंग पोंग डिले की सेटिंग किस तरह की है। आप ये वाली सेटिंग करके रात फान को भी बढ़ा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा सेटिंग बताता हूँ आपने बिल्कुल वैसे ही नहीं करनी। हो सकता है आपको थोड़े से वॉल्यूम आगे पीछे करने की ज़रूरत पड़े। अक्सर औकात ऐसा होता है, कभी आप इंडोर में होते हैं कभी आउटडोर में होते हैं, तो आपको फिक्स सेटिंग नहीं करनी, आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को साउंड के हवाले से, डीजे के हवाले से कोई सामान चाहिए, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। कोई मिक्सर, माइक स्टैंड, पावर एम्पलीफायर, स्पीकर, बॉडीज वगैरह सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से रابطہ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।